हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर मिस्टर सरा के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बाजियों का सिखा रहे हैं। जेठ और वैसाख की फड़ी बाजी है और उसकी तैयारी से लेकर कबूतर तैयार कैसे करना है सारा आपको बता रहे हैं साथ साथ। देखिए, यही वो मकासद है, यही वो ट्रेनिंग है। जो आप समझ जाएंगे इस ट्रेनिंग को तो आपको पता चल जाएगा कि कबूतर को तैयार कैसे करना है। देखिए मेरे वो कई दोस्त हजरात, देखिए अगर तो आपकी फड़ी बाजी नहीं है, जस्ट लाइक कप में एंट्री है या आपने वैसे बाजी लगाई है, वो तो ठीक है, आप ऐसे जैसे मर्जी कर ले, फिर वो तैयारी ना करें। लेकिन अगर आपकी वैसाख और जेठ की तैयारी है तो फिर आपने तैयारी वैसी करनी है। ले जी, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया सारा वैक्सीन करने का, उसके बाद फिर 5 दिन बाद आपको वो लीवर 52 बताया, फिर उसको डिवॉर्म करना है, वो सारा तरीका बताया, उसके बाद पर खेच देने हैं, उसके बाद फिर उसको सारी खुराक कैसे देनी है। आज हम आपको बताएंगे जी कि कबूतरों के आज 37 डेज मुकम्मल हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब आप कहेंगे मुझे कैसे याद है 37 डेज, मैंने लिख लिया है। देखिए, डायरी लाजमी बना ले, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार कबूतर आपने खींचे किस तरीके को खींचे कितने दिन। मैंने अपने दोस्तों को बताया वह एक कबूतर पूरा 45 डेज लेता है पर मुकम्मल निकालने में, आज इनको 37 डेज हुए। जरा इनके परों का आज इंस्पेक्शन करेंगे और आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जो कभी आपको कोई कबूतरबाज नहीं बताएगा। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, कोई कबूतरबाज नहीं बताएगा। चंद एक उस्ताद हजरत आज होंगे, अपने शागिर्दों को बता दें। मैं बनाने का वीडियो का मकसद ये है कि यार मैंने तो ये सब काम कर लिया हुआ, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं, नए जो कबूतर परवर हैं, उनको परेशानी ना आए। वो किस उस्ताद से पूछे जिनकी कोई उस्तादी नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे, वो कहेगा यार अच्छा इतने पैसे दो, ये कर लो वो कर लो, वो 600 खर्चे, तो उससे बचे। और उसका सबसे बेहतरीन हल एक ही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि आप ये वीडियोस देखें और वीडियो से स्वाद बन जाए। ले जी, आज आपको बताते हैं 37 डेज के पर जरा चेक करें। हाफिज दिखाइए, हाफिज थैंक यू वेरी मच, हाफिज बना रहा है हमारी वीडियो आज। जरा पार देखिएगा, 37 दिन के पार कितने होते हैं, जरा देखिएगा इस कबूतर के पार। आपने देखें जो आपने कबूतरों को जो अपना खुराक दी, जो आपने ये देखिएगा, ये मेरा टैडी कबूतर है जी, टैडी कबूतर ये उड़ा हुआ है मेरा, ये 7-7 कली का उड़ा हुआ पट्टा है, 11-11, 12 बजे बजाए हुए हैं। अब इसको मैंने इसकी आखिरी 2 कलियां खींच दी थी, ये टैडी कबूतर है। एक आपको चिट्टे कानों वाला बताया था, ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये दूसरा, ये कांटों वाला कबूतर है, वो चिट्टे कानों वाला दूसरा टैडी कबूतर है। इसके पर देखिएगा कैसे शानदार निकले, देखिएगा पर देखिएगा, दिखाइएगा ऐसे करके धूप में दिखाए, ये देखिए, ये देखें। आपको लग रहा होगा, मैं अपने नए देखने वालों को बताना चाह रहा हूं कि ये देखें इसकी 9वीं 10वीं किस तरह की है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे। ये आपकी 3 उंगली है ना, 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां पर ऐसे होना चाहिए, 8वां पर छोटा, 9वां पर बड़ा, 10वां छोटा, यानी कि ये देखें ये स्टाइल होना चाहिए। अब ये इसका जरा पार देखिएगा एक दफा, ये देखें, ये देखिए, जेठ और वैसाख के कबूतर ये होते हैं। आपको उस्ताद वकास साहब ने बताया था कि कबूतर सिर्फ 9 इंच का होता है, ये देखिएगा 9, ये इसके मुंह से नहीं काउंट करते, ये जो गुट होता है ना, ये गुट यहां से काउंट करते हैं, ये देखिए, ये मेरा जो उंगली है 8 इंच की है तकरीबन, ये तकरीबन ये बिल्कुल एग्जैक्ट 9 इंच का बन रहा है। इसको अगर आप देखें ना ऐसे करके, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ चीजें कि कबूतर या वो सिलेक्ट करें जो बड़ी गेम के कबूतर है। वो कबूतर सिलेक्ट करने का फायदे कुछ नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े कबूतर हैं, पर लंबे लंबे हैं, वो ठीक है, नो डाउट किसी के उड़ते होंगे पहले जमाने में, अब नहीं उड़ते। अब आप जो है ना, अब आप इसको देखिएगा, आप सब जरा इधर दिखाइएगा, ये आपको मैंने कबूतर दिखाया। अब आपको मैंने इसका बताना है 37 दिनों के बाद सबसे जरूरी टिप जो है वो क्या है कि इनके गुट आजकल आप देखिएगा, जब आप क्योंकि कबूतर काफी अरसा जमीन पे रहता है, कईयों के गुट शैल हो जाते हैं या कई कबूतर अपने पार जो है ना ऐसे छोड़ देते हैं, क्या वजह होती है, गुट जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं गुट जुड़ जाना। कई मेरे दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं कि जी वो कबूतर उड़ाया हमने, कबूतर उड़ाया जी, वो जब आके बैठते हैं एक गुट छोड़ देता है, वो क्या होता है कि आपने रेशा खुश्क नहीं किया होता इसका, कबूतर का रेशा खुश्क किया जाता है छोड़ने से पहले, और ये 1 हफ्ता पहले सिर्फ काम किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना कैसे है। जब आप कबूतर आपका 37 दिन का हो गया है, अब मैंने उस पर टिक मार्क कर दिया, 37 दिन मुकम्मल हो गया, अब आखिरी हमने 5 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 5 दिन हमने एक कोर्स करवाना है ताकि इसका गुट शैल ना हो। ये फिर थ्रू आउट जो है ना आखिर तक इसको हमने वो पानी नहीं देना, वो फिर ये तैयार है कबूतर के लिए, क्योंकि आपने छोड़ना है इसका रेशा खत्म करना है। इसके जो गुट आप देख रहे हैं ना, ये जो गुट होते हैं इसके अंदर रेशा होता है, ये गुटों के अंदर, इसके अंदर रेशा होता है, हमें ऊपर से लग रहे पर बन गए इसके, ये देखें
आपको लग रहा होगा पर बन गए जी, अब उड़ने के लिए तैयार है, छोड़ दो। तकरीबन 80% जो कबूतरबाज हैं जल्दबाजी की वजह से और ऐसे कबूतर गवाते हैं कि वो कहते हैं पार निकला है, छोड़ो यार मौसम बड़ा चंगा है, धूप निकली है, चस्का ही लीए, और चस्का फिर यह कबूतर कराते मालिक परेशान होकर बैठता है, कहते जी अगले दिन आएगा, वो अगले दिन की फुटेज भी आंदा है क्योंकि अंदर से पार उसके बेचारे के खराब हुए हैं, रेशा पड़ा हुआ है और गुड शेल होने का ज्यादा खर्चा होता है। इसको हम बताते हैं आपको कि करना क्या है। आपको मैंने शुरू में एक बताया था कि जब हमने खुराक दी थी खेचने से पहले कि बाजरा 5 किलो, 5 किलो आपने काले चने और 5 किलो आपने कनक, इन तीनों को आपने 5 किलो बाजरा, 5 किलो काले चने, 5 किलो कनक को पीस के जो हमने आटा बनाया हुआ था, मैंने एक तोड़ा बना लिया था पहले ही आटे का, उसकी हम इनको 2 रोटियां डेली बाजरे इसके दाने के साथ देते थे। आपने अब क्या करना है, आखिरी 5 दिनों में एक दिन छोड़ के आपने एक दिन 5 दिन इनको आपने वो दाना देना है जो मैं बताने लगा, सबसे जरूरी है, कोई उस्ताद नहीं आपको बताएगा। अब आपने क्या करना है, 2 पेड़े लेने हैं, 2 पेड़ों के अंदर आपने आप बाजार से आपको मिल जाएगा पाउडर सूंड का पाउडर, ये कोई भी मसाले वगैरह जो होते हैं शान के और नेशनल के हों वहां से आपको सूंड का मिल जाएगा पाउडर डब्बी, 130-140 रुपए की होगी, आपने वो लेने। फिर आपने एक लेना है हल्दी, अच्छी वाली हल्दी, मैं बता रहा हूँ कोई आम हल्दी ना ले लीजिएगा, अच्छी वाली डब्बे की हल्दी ले लें कोई अच्छी वाली हो तो। आपने 2 पेड़े लेने हैं, 2 पेड़ों में आपने क्या करना है, चाय का चम्मच होता है ना चाय का चम्मच, उसका आधा चम्मच हल्दी लेना है, वो एक पेड़े में डाल देना है, आधा चम्मच आपने लेना है उसका सूंड का। अच्छा कई मेरे दोस्त कहेंगे जी सूंड मिल नहीं रही कहीं से, अगर सूंड ना मिले तो अदरक का पाउडर तो हर जगह से मिल जाता है, अदरक का पाउडर ले लें। एक पेड़े के अंदर आपने चाय का मैं कह रहा हूँ, और पहाड़ी नहीं बनानी किधर एडी वड़ी वो पहाड़ियां बना दे शिमला पहाड़ियां, तो ये वो नहीं करना आपने काम, ठीक है, आपने पहाड़ी से बस चमचा मतलब पता बस फ्लैट रखना है इसको, छोटा चाय का चम्मच आधा फ्लैट पहाड़ी नहीं, उसको आपने एक पेड़े के अंदर डालना है, और इसी तरह अदरक का एक लेके आपने पेड़े के अंदर डालना है, पेड़े को अच्छी तरह मल लेना, वो जरा येलो सी रोटी बन जाएगी। आपने 2 रोटियां बनानी है इस तरह की, आपने जब आखिरी जिस तरह 37 दिन हो गए हैं, अब मुझे पता है मैंने 45 दिन बाद कबूतर छोड़ना है, तो मतलब ये है कि मेरे पास तकरीबन अभी 8-9 दिन है। अब एक दिन छोड़ के आपने एक दिन इसको क्या करना है, वो वाले भोरे डालने हैं अदरक और हल्दी के, 2 रोटियों के भोरे करके पहले भोरे डाल दें ताकि ये सब 15-15, 20-20 दाने चुग लें, ठीक है। उसके बाद आपने पानी कौन से डालना है, ये बड़ा जरूरी है। देखें मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आपकी बाजियां नहीं लगी फिर तो आप जो मर्जी पानी जब मर्जी बना के डाल दें, अगर आपकी जेठ और बैसाखी बाजियां लगी है तो फिर ऐसा नहीं करना, आपने पूरा प्रॉपर पानी बनाना है। उसका पानी कैसे बनाना है, 3 मसाले लेने हैं, याद कर लें 3 मसाले लेने हैं, 2 चीजें आपने लेनी है, अदरक का इतना सा पीस, इतना सा बस, जस्ट आप ये ना हो कि एडा बड़ा अदरक का पा दो, बस इतना सा इतना। देखिए मैं यार साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि ये ना हो कि देखिए कई स्वाद रबता कहते हैं वो पा यार ये मसाले भी पा यखनी भी बना काला कर इन पानी नू, भाई काला नहीं करना, कबूतर का रंग अंदर से खून नहीं साड़ना, और उसको बस माइल्ड सा एक देना ताकि उसके परों का रेशा खत्म हो जाए, देसी तरीका आपको बता रहा हूँ। इतना सा अदरक लेना है 1 लीटर पानी में, इतना सा अदरक और 1 लहसुन पूरा उसको कट कर लें, ये नहीं कि सारा छीलना है, छीलना नहीं है, बस दरमियान से एक कट करके यानी कि वो हाफ हाफ सारे हो जाए इसके पानी में डाल देना है, 1 लीटर पानी में इतना सा अदरक 1 लहसुन लेके आधा करके 2 पीस वो दोनों अदरक में डाल देना है। 3 मसाले लेने हैं, वो कौन से, 10 लौंग, इतनी सी दालचीनी यानी कि इतना वो दालचीनी का इतना पीस, मैं पहले बता रहा हूँ ये ना छजे पकड़ के डाल दें उसके अंदर काला बसिया कर दें, इतनी सी दालचीनी 10 लौंग उसके अंदर डाल दें, और सफेद जीरा चाय का 1 चम्मच उसके अंदर डाल दें 1 लीटर पानी के अंदर, ये आपने पानी को बॉईल कर लेना, बॉईल करके जब आप इसको आधा लीटर रह जाए 1 लीटर से आधा लीटर रह जाए तो उसको आपकी ये जो कुनाली है इधर दिखाइएगा हाफिज, ये देखिए ये जो जिस तरह ये कुनाली है, ठीक है, इस कुनाली को आप एक कोई भर लें और उसके अंदर वो पूरा पेस्ट डाल दें, अगर 2 बनाना चाहें तो छोटी है तो 2 बना लें, दोनों में आधा आधा डाल दें, वो आधा लीटर जो बचेगा, इस तरह करके आपने कबूतर को पिलाना है इनशाला। ये जो मेरे भाई कई कंप्लेंट कर रहे हैं ना कबूतर गोटर नहीं पारने से चला रहा ऊपर जाके लगता है जो रुक के चलता है, आप 2 दिन दे कबूतर आते छोड़े होंगे ना घर, अच्छा कई दोस्त मेरे जिनको ने छोड़ भी लिए हैं ये आप तब भी अमल कर सकते हैं और कबूतर परवाज बढ़ा लेगा एकदम। आप मुझे याद किया करो कि यार क्या भाई ने नुस्खा बताया था, ये एक देसी नुस्खा है कबूतर की गुट जुड़ने, जिनके गुट जुड़े हों जो पर ना सही चला रहे हों या उड़ते नहीं है पहले उड़ते थे अब उड़ नहीं रहे, उन सब बीमारियों का एक ही इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ उन सब बीमारियों का एक ही इलाज कीजिएगा जरूर इंशाल्लाह। ये देखिए कबूतर जरा आपको ये कबूतर दिखाया पार्शा देखिए आपने बिल्कुल माशाल्लाह फिट आ गए इसके, मुझे पूरी उम्मीद है देखिए कबूतर फिटनेस दिखेगा,
माशाल्लाह जी सब कबूतर से तैयार है, लेकिन मैंने आपको बताया 45 दिन से पहले नहीं छोड़ने आपने कोई भी कबूतर, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। वाइंड अप 2 मिनट में करता हूँ ताकि दो सब दोस्तों को दोबारा से जहन नशीन हो जाए। शादीशुदा की बात नहीं कर रहा, वो लिख ले बाकी कुंवारों की बात कर रहा हूँ, वो जहन नशीन कर ले। अच्छा वो क्या जी, आपने 2 पेड़े लेने हैं अदरक, 2 आटे के पेड़े लेने हैं, वो जो आपको मैंने बताया था 5 किलो बाजरा 5 किलो चने 5 किलो कनक वाला जो आपने आटा बनाया हुआ था उसके अंदर 2 पेड़े बना के, एक पेड़े के अंदर दोनों पेड़ों को आपने बना के रख लेना है। आधा चम्मच हल्दी का 1 पेड़े में, आधा चम्मच हल्दी का 1 पेड़े में, आधा चम्मच आपने अदरक अगर पाउडर मिल जाए, सूंड वैसे तो इस्तेमाल होती है, अगर सूंड मुमकिन है ना मिले तो फिर अदरक का पाउडर हर 130-140 रुपए का डब्बा मिल जाता है, आधा चम्मच आपने वो डालना है, आधा चम्मच दोनों पेड़ों में डाल देना है और उन दोनों पेड़ों को हल्दी और वो अदरक या सूंड वाला जो पाउडर है उसमें गूंद के वो पीली सी रोटी बन जाएगी। पीली रोटी करके पहले आपने क्या करना है, इनको सुबह 11-12 बजे आके आपने इस तरह फैला के डालना है कि सारे कबूतर को 10-10, 15-15, 20-20 दाने खा लें, ठीक है, फैला के डाल देना ताकि सारे 15-15 बस इतना ही होता है बड़ा। उसके बाद जब पानी आपने डालना है, पानी के अंदर 5 चीजें हैं, सिर्फ 5 चीजें आप जहन शीन कर लें। सबसे पहले आपने अदरक का इतना सा पीस लेना है, लहसुन लेना है 1 तूड़ी लहसुन की लेनी है, उसको बीच में से ऐसे एक ही कट करना है, ये ना करें कि छीलने बैठ जाए अदरक को शाम हो जाएगी, एक कोई दफा कट करो कि बीच में से उसका वो सारा गूदा नजर आना शुरू हो जाए, उसी को बीच में डाल दो, छिलको समेत डाल दो। उसके बाद 1 लीटर पानी के अंदर आपने डाल देना है, 2 चीजें होंगी, 1 लीटर पानी के अंदर अदरक हो गया इतना सा, लहसुन काट के उसमें चला गया, 3 मसाले कौन से, 10 लौंग इतना सा वो आपने दालचीनी और एक आपने वो डालना है सफेद जीरा, आधा चाय का सॉरी वो पूरा चाय का चम्मच सफेद जीरे का पूरा चाय का चम्मच डालना है। 5 चीजों को उबाल लेना है, जब पानी आधा लीटर रह जाए, आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, हल्की आंच पे पकाना, ये नहीं करना कि ताबड़ तोड़ उसको आग लगा दें कि जी इनू बस जहनवी बना दिए पानी नून। अच्छा तो उसको आपने क्या करना है, इसको उबाल के कुनाली में डाल के पिला देना है। इंशाल्लाह आपके वो सारे भाई जो कह रहे हैं गुट नहीं चल रहा, गुट शैल हो गया है, गुट दबा के चल रहा है, खड़ा हुआ कबूतर बैठा हुआ कबूतर तो गुट ऐसे फेंका हुआ है, सब चीजों का हल इसमें है, जरूर करें। ये आज आपको टिप बताई है, कोई बड़े से बड़ा स्वाद नहीं आपको बताएगा। इंशाल्लाह इस हफ्ते को, ये जो कमिंग हफ्ता आ रहा है, सबसे बड़ा आपसे नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, देसी ओरिजिनल नुस्खा जो मेरा उस्ताद लगाता था, वो मेडिसिन नहीं लगाते थे कभी भी, मेडिसिन के खिलाफ थे, तो वो देसी नुस्खा लगाते थे, आपसे वो शेयर करूंगा। इंशाल्लाह अपने हमारे साथ रहें, अपना बड़ा ख्याल रखें। मैं शहजाद कुरैशी आपका होस्ट व्लॉग के पिजन सार के साथ, एक दफा जरा व्यू लीजिएगा हमारे कबूतरों का जी, कबूतर तैयार हो गए जी, तैयारी में आ गए पूरे। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज।